निर्देश अनुसार चलाए गए स्वच्छता अभियान सिविल जज राजेंद्र कुमार की अगुवाई में आज खंड विकास कार्यालय के बाहर सभी ने स्वच्छता की शपथ ली और उसके बाद सभी लोग जिसमें कोर्ट के सभी वकील पहली गल वॉलियंटर थाना द्वाराहाट के अधिकारी कर्मचारी और सामाजिक कार्यकर्ता नगर पंचायत द्वाराहाट के कर्मचारी और पर्यावरण मित्र नगर पंचायत चौखुटिया के कर्मचारी जिला पंचायत अल्मोड़ा के कर्मचारी और पर्यावरण मित्र विपिन त्रिपाठी कुमाऊं प्रगति संस्थान के छात्र छात्रा और शिक्षक विकासखंड द्वाराहाट के कर्मचारी सहित ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य के वार्ड संकल्प समिति के लोग और राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षक कर्मचारी और छात्र छात्राओं सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर प्रभारी चिकित्सक ने इस सफाई अभियान में करीब 4 किलोमीटर में सफाई अभियान चलाया। आज भी नहीं कर पाएगा और आज माननीय हाईकोर्ट ने यह आह्वान चलाया है और उनका शुक्रगुजार है कि हमारे चीफ जस्टिस साहब ने ये पूरे प्रदेश में आज के दिन 4 घंटे का 8 से 12 बजे तक ये प्रोग्राम रखा है और मुझे पूरी आशा है और जितने करीब 200-250 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी तन मन धन से अपना योगदान देंगे। द्वाराहाट के जीएम साहब, भारत एसोसिएशन के अध्यक्ष, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, एनएसएस और इस तरह के और सारे डिपार्टमेंट, करीब 300-400 लोगों के साथ हमने 8 बजे से सफाई अभियान शुरू किया है, जिसमें कि पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर, पॉलिटेक्निक और अभी शहर में आगे जितना भी प्लास्टिक और कूड़ा है, कई जगह चाय की दुकान वाले और प्लास्टिक और ये जैम की बोतलें वो मिल करके भी उसको उठवाया गया है और लोगों को जागरूक किया गया है। ये हर आदमी का काम है, अगर दुकानदार है और वो गंदगी फैला रहा है तो उससे पूरा हमारा जो एम्स है वो पूरा नहीं हो पाएगा। विपिन त्रिपाठी कुमाऊं प्रगति संस्थान के परिसर विकासखंड परिसर पॉलिटेक्निक में सफाई कार्य चलाया, उसके बाद गोचर तिराहे से होते हुए द्वाराहाट बाजार मुख्य चौक आकर तिराहा त्रिमूर्ति चौक पर सफाई कर आम नागरिकों को जागरूक किया। सभी कार सेवकों को जलपान की व्यवस्था गोचर में की गई। मुख्य चौक पर आकर अभियान के सफल संचालन पर सिविल जज राजेंद्र कुमार ने सभी का आभार भी व्यक्त किया। कहा कि पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती आज प्लास्टिक को खत्म करना है। एक प्लास्टिक ही है जो कभी खत्म नहीं होता है और हमारे शरीर में भी पानी के माध्यम से प्लास्टिक ने अपना स्थान बना लिया है जो कि घातक है। इसलिए प्लास्टिक को उठाकर रिसाइकलिंग के लिए भेजने का काम करें। सिविल जज ने कहा कि धरती में सब समाहित हो जाता है, पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य सब धरती में समाहित हो जाती है, मगर प्लास्टिक नहीं। इसलिए प्लास्टिक को कम से कम उपयोग में लाएं और पर्यावरण को बचाएं।